guys, I'm in Pune and my friend Saloni has kept a surprise for me. This is a very authentic Marathi thali. We are on our way. So let's catch what is the next surprise for us. So we can relate to incredible India, charmed by India and food and masti and farm. Let's go. Hi guys, आज मैं पुणे में हूँ आनंद वन गोखले पार्क और हमारे साथ और आपका नाम क्या मैम? गौरी गोखले। सबसे पहली बात तो मुझे खाना खाके बहुत मजा आया यहाँ पे और बहुत स्वादिष्ट खाना था और मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है कि सारी महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं। तो ये बता सकते हैं आइडिया कब और कैसे फिर शुरू हुआ? 27 साल पहले मेरे सास ससुर ने इसको शुरू किया। गाइस 27 इयर्स अगो एंड यू एंड द फेवरेट पार्ट इज कि आप मुझे बताइए व्हाई ओनली महिलाएं, व्हाई नॉट चिल्ड्रन? वी आर हैविंग जेंट्स आल्सो ओके बट नाउ दे आर वर्किंग विद द फार्म ओके बट आई लव्ड इट यू नो यू लुक एट द किचन इट्स सो सोफिस्टिकेटेड इट्स ऑन द चूल्हा इंडियन ट्रेडिशन तो आप मेरे को बताएंगे थोड़ा बाहर ले जाके कैसे कैसे होता है? हाँ हाँ जरूर लाइए बताइए अच्छा और आज भी आप लकड़ी यूज करते हैं जो कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ करता था हमारे एंशिएंट जमाने में। अच्छा आपका बिकॉज वी हैव जंगल है आप खुद ही यहाँ पे कर सकते हैं और खाना बहुत स्वाद था और ये क्या है अचार बनने में? ग्लूकन ग्लूकन है तो ये आप सेल करते हो मार्केट में जाते हैं इधर ही यही से? अच्छा बाहर जो मैंने देखा वो काम कर रहे हो आप इसको सेल करते हो यार बहुत मजेदार है तो मैं एक तो मैं लेके जाऊंगा एक मुझे चाहिए मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा और क्या क्या बनता है यहाँ पे? पापड़ बनते हैं पापड़ अच्छा जो आपको पापड़ा में खिलाया वो सब यहीं पे सब कुछ यहीं पे जो वेजिटेबल्स हैं आप खुद ग्रो करते हो? अच्छा अच्छा ओके अच्छा मतलब फार्म हाउस में वेजिटेबल फार्म है लवली सुपर यहाँ का ताजा वेजिटेबल मतलब आप सोच रहे वहाँ से सामने से कोई आपके लिए वेजिटेबल लेके आ रहा है उसे पका के आपको खिला रहा है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग और मुझे और कुछ बताइए इस चीज की आपने बोला आपके फादर इन लॉ मदर लॉ ने शुरू किया 27 साल पहले वो भी आते हैं लेकिन अच्छा नहीं है, नहीं है? नहीं। अच्छा विजन क्या था उनका? कुछ नहीं है ऐसा ही जमीन है हमारी हाँ जी तो कुछ करना है अच्छा उसके हिसाब से उन्होंने करवाया लेकिन हम पहले थोड़ा बनाए थोड़ा हाँ क्या होता है जवार का जब अच्छा ओके ओके उसका वो दाना छिलके जो परोसते हैं ना उसे उल्टा के तो पहले हमने वो शुरू किया था लेकिन उसके बाद तब क्या बनाए खाना तो यहाँ के महिलाओं को सिर्फ यही का खाना आता है अच्छा। जो आपने अभी खाया तो वही सब उन्होंने बनाया तो जो गेस्ट आए थे वो बोले क्यों दूसरा खाना कोई ढूंढ लो यही बना लो यही अच्छा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार महाराष्ट्र थाली खाई है जिसमें नॉन वेज नहीं और मैं यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा खाना इतना टेस्टी था सिंपल नो मसाले ऐसा लग रहा था कि माँ ने बना के परोसा है जो इस्तेमाल होते हैं खाने हाँ। मसाले वो हम भी बनाते हैं मसाले भी आप खुद ही बनाते हैं तो मतलब ये तो ये हो गया कि सब कुछ यहीं पे आप किसी तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं मार्केट से कुछ कुछ लाते हैं हाँ मोस्टली 70% ऑफ जो आपको चीजें लगती है आप यहाँ पे ग्रो करते हैं खुद बहुत मजा है ये और ये हमारे मास्टर शेफ है मिलेंगे मास्टर शेफ कौन है यहाँ पे ये भी बनाती है खाना सभी तरह से मास्टर शेफ वो तो क्या क्या बनाते हो आप कौन सी बात अच्छा मजा आता है क्योंकि मुझे तो यहाँ बैठ के बहुत मजा आ रहा है पहली बार मैंने देखा है कि सब महिलाएं काम कर रही हैं जो कि हमारे इनक्रेडिबल इंडिया और मोदी जी का है कि महिलाएं आगे आनी चाहिए तो आई थिंक मोदी जी के विजन आपके ससुर जी ने 27 साल पहले सोच ली थी शायद इट्स अ वेरी विजनरी और ये बहुत सारी
लीजिए है जो पहले से काम कर रही है हमारे, जैसे शुरू हुआ है पहले खेती करते थे वहीं पे काम करती थी, अभी यहाँ कर रही है। आपका नाम क्या है? सुशीला शिंदे। आपका नाम क्या है? इधर मनीषा कापके। आपका नाम क्या मैम? और आपका? ओके, तो मजा तो आ रहा है मुझे यहाँ पे आपके साथ बैठ के, लेकिन क्या है कि औरों से भी बात करनी है तो मैं उनके पास जाता हूँ अभी। आपकी विदा लेता हूँ, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू। और अरे पीला नहीं करेंगे तो क्या होगा? अच्छा गाइस, ब्यूटीफुल भाकरी। आपका नाम क्या है? छाया जीते जी, इतनी प्यार से जो हमने भाकरी अभी बाहर खाई, आप ही बना रही थी, बहुत स्वाद थी। अच्छा अभी गीला हो, अच्छा तो ये जल्दी पलट जाएगा, ये तो जल जाएगा अगर पानी नहीं लगाया तो, जल जाएगा। गाइस आपने देखा कितना उत्पत्ति के व्यक्ति, मतलब अगर अपनी प्याज में पानी नहीं लगाया तो वो जल जाएगी। चलिए आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम। थैंक यू। करी तो अभी आप गर्म कर रहे हो, आपने खुद बनाए? नहीं, कड़ी बनाए। कड़ी आपने बनाया? कड़ी बहुत अच्छा था, मजा आ गया। अभी आप गर्म करोगे तो जो खाना बच जाता है फिर आप क्या करते हैं? खाना बच जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा काफी यूज होता है, खाना आप फेंकते नहीं है, वेरी गुड। खाना फेंकते नहीं है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना फेंकना बहुत बुरी आदत है। हमारे यहाँ पे बहुत लोग खाना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे कितने लोग हैं जो बिना खाए सोते हैं हमारे इस देश में, तो खाना वेस्ट मत कीजिए प्लीज, खाते रहिए और किसी को दे दीजिए। मैं बच कर कमा, आपने हमें अपने किचन के अंदर आने की इजाजत दी। कोई भी आ जा सकता है, हमारे यहाँ सबके लिए खुला है, जो कोई भी कस्टमर को पसंद है। बहुत 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 यूनिक बात ये है कि कितना साफ है, सफाई मतलब एक चीज नहीं होती है। आप किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, उनके किचन में किचन गंदी दिखती है, लेकिन आपके किचन में एक भी गंदी चीज नहीं दिखी, एक भी गंदी चीज नहीं दिखी। सारी प्रेपरेशन आप इतनी अच्छे से कर रहे हैं, सारा कुछ आप सब हर चीज गर्म कर रहे हैं, कोई बाकी नहीं लगी मुझे, तो आपसे मिलकर बहुत मजा आया। और अगली बार मैं बिल्कुल आऊंगा। एंड आई डोंट टेल यू गाइस, इफ यू आर इन पुणे, इफ यू डोंट कम हियर इन आनंद गोखले फार्म, यू आर मिसिंग समथिंग। It's the best authentic veg Maharashtrian food I've ever had. So please subscribe my channel. You know it. And rest, we keep on talking. I'll keep on coming with different videos with destination, food, culture of incredible India.